एक बड़ी खबर इस वक्त जो हमको मिल रही है कि 36 घंटे का वक्त अभी बाकी है, लेकिन हमको सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी ने राजतिलक की तैयारियां शुरू कर दी है। बड़ी खबर है, शपथ ग्रहण का समय भी तय कर दिया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त हमको मिल रही है, गुजरात में बीजेपी ने शपथ ग्रहण की तैयारियां अभी से शुरू कर दी है। और जो हमको सोर्सेज बता रहे हैं, 12:39 PM शपथ ग्रहण का समय तय किया गया, ये हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। प्रधानमंत्री से देखिए, शपथ ग्रहण का समय तय कर दिया गया है। बीजेपी जीत को लेकर इतनी आश्वस्त है कि अभी नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन नतीजों से पहले ही प्रधानमंत्री का समय मांगा गया है। 10 तारीख या 11 दिसंबर का वक्त मांगा गया है, यानी कि शपथ ग्रहण जो होगा 10 या 11 तारीख को होगा। और शपथ ग्रहण का समय भी तय कर दिया गया है, 12:39 PM 10 या 11 दिसंबर को। मतलब आप सोचिए, अभी नतीजे आने बाकी, अभी 8 तारीख को, अभी एग्जिट पोल एग्जैक्ट होंगे नहीं होंगे कुछ नहीं पता, लेकिन गुजरात में बीजेपी जीत को लेकर इतनी आश्वस्त है कि शपथ ग्रहण का समय तय कर दिया गया है, कि शपथ ग्रहण का वक्त भी तय कर दिया गया है। यानी कि गुजरात में बीजेपी को भरोसा है कि उसे 7वीं बार प्रचंड जीत मिलने जा रही है। 12:39 10 या 11 दिसंबर को बीजेपी की प्रचंड जीत का सबसे बड़ा संकेत महा एग्जिट पोल से मिल चुके हैं। और महा एग्जिट पोल के मुताबिक हम लगातार आपको बता रहे हैं, बीजेपी गुजरात में 134 सीट जीत सकती है, कांग्रेस को 36 सीटें मिल सकती हैं, और आम आदमी पार्टी शायद बमुश्किल दहाई का आंकड़ा भी पार ना कर पाए, बमुश्किल दहाई का आंकड़ा भी। यानी कि एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात ने वो सारे मुद्दे नकार दिए जो बीजेपी के खिलाफ गए थे। आप सोचिए, अगर ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि गुजरात में आम आदमी पार्टी नया विकल्प है, लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक ये दावा खारिज हो गया। ये दावा किया गया था नया विकल्प, मुफ्त वाला जो वादा था वो भी अब खारिज हो गया। मतलब मुफ्त खोरी गुजरात में नहीं चलेगी, सत्ता विरोधी लहर की एंटी इनकम्बेंसी की बात खारिज, महंगाई बेरोजगारी तमाम तरह के मुद्दे उठाए गए, स्कूली शिक्षा का मुद्दा उठाया गया, लेकिन गुजरात में 27 साल बाद फिर से बीजेपी की सरकार 7वीं बार बनती नजर आ रही है। सबसे बड़ी चीज मोरबी हादसे को लेकर जो बीजेपी कहती रही कि कार्रवाई हुई, दुष्प्रचार किया गया, उस मुद्दे को लेकर भी, मोरबी दुष्प्रचार, मोरबी हादसे को लेकर जो दुष्प्रचार किया गया उसको भी एक तरीके से खारिज कर दिया गया। इन तमाम चीजों के बावजूद एग्जिट पोल के मुताबिक अभी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती नजर आ रही है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि 12:39 PM 12:00 मतलब शपथ ग्रहण का समय तय कर दिया गया है। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री को समय उनका मांगा गया, 10 या 11 तारीख को हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। अजय आलोक है मेरे साथ, इसके अलावा संजीव कौशिक मेरे साथ